में मेरी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल से डॉक्टर ने डेड बॉडी को डिस्चार्ज करके मेरे भाई के हाथ में दे दिया, ले जाइए अभी ये नहीं बची है, खत्म हो गई है। और मेरे भाई मेरी लाश लेके घर पहुंचे, घर में हमारे सब रिश्तेदार जमा हो गए और पड़ोसी लोग भी है, सबने कहा रहे शांता इतनी छोटी उम्र में बच्ची मर गई। कोई कहता नहीं चलो बेचारी का कोई तो है नहीं, वो इतना दुख उठा रही थी इतने सालों से, मर गई तो अच्छा है। अब मरने के बाद दफनाने का इंतजाम हमारे रिश्तेदार मेरे ताए चाचा सारे कहते हैं इसको जलाएंगे, हमारी सरदारों की बेटी है वहां ले जाएंगे। मेरे भैया ने कहा नहीं नहीं मेरी बहन है, क्रिश्चियन है, यीशु को मानती है, हम क्रिश्चियन चर्च में लेके जाएंगे। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और चाचा लोग सब नाराज होके चले गए। इसके बाद मेरे भाई एक पादरी साहब के पास गए, दिल्ली के बिशप बने थे बाद में वो, पहले उस समय पादरी थे, पादरी एरिक विक्टर जोनाथन, उनको जाके एंग्लिकन चर्च है उनको बोला मेरी बहन को दफनाने के लिए आपके कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो जिनका चर्च में मेंबरशिप होती है उनके लिए ही जगह होती है। मेरे भाई ने कहा चलो मेंबरशिप जो भी रहती है आप ले लो, मेरे बहन को अपने कब्रिस्तान में जगह दे दो, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। पादरी साहब हमारे घर आए, आके मेरी लाश को देखा, लाश को देखने के बाद कहते हैं इसको नहला पिला के ही तो कपड़ा डालेंगे, कफन ले जाएंगे कब्रिस्तान में, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी में मैं बपतिस्मा भी दे देता हूँ ताकि कोई पूछे तो मैं बता सकूंगा कि मैंने बपतिस्मा दिया। और उन्होंने हमारे घर में एक बड़ा वाटर टैंक था उसमें बपतिस्मा भी दे दिया और कफिन बॉक्स लेके आ गए, कपड़े सफ़ेद ला के मुझे पहना दिया गया और मेरी लाश को सजा के रख दिया। ये सब करते देखा बाद में, अरे बाप रे टाइम तो हो गया, अभी तो कब्रिस्तान नहीं ले जा सकते, रात हो गई है, आज की रात लाश को ऐसे रहने देते हैं, कल सवेरे लेके जाएंगे। और ये कह के पादरी और उनके साथ आए चर्च के मेंबर दुआ करके चले गए। उनके जाते ही हमारे आस पड़ोस के लोग जो बैठे थे वो भी धीरे धीरे उठ के चले गए। मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह अकेले थे और वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, दुख भी लग रहा था क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मम्मी पापा के मरने के बाद मेरे भैया ने ही मुझे माँ का बाप का प्यार दिया था, वो ही मुझे पालते थे और उनको दुख भी लग रहा था। लेकिन कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया, चलो अभी इस लाश के पास सारी रात क्या बैठूंगा मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ। और इतना कह के मेरे भाई ने क्या किया, अपनी बाइबल ली और मेरे सिर के पास रख दी और स्वयं जाके अपने बेड में लेट गए। लेटने से पहले उन्होंने कहा प्रभु जी जो कुछ तूने किया अच्छा किया, आगे जो तेरी मर्जी है कर, मेरी बहन की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जैसे ही उन्होंने प्रभु को समर्पण किया करके और जाके वो सो गए, उनके सोते ही प्रभु ने अपना काम शुरू कर दिया। हालेलुया। अचानक मेरे रूम में एक बड़ी लाइट आई और लाइट के बाद दो एंजल दो तरफ आके खड़े हो गए मेरे बेड के, एक इस तरफ एक इस तरफ। और उन एंजलों ने, एक ने मेरा ये हाथ पकड़ा, दूसरे ने ऐसे हाथ पकड़ा। मैं बड़ी हैरान मोहरे ये क्या है, इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत क्या करने जा रहे हैं। और वो मुझे उड़ा के इसी तरह उठा के स्वर्ग की ओर ले चले। हालेलुया। बहुत सुंदर लग रहा था वो दृश्य, बादलों पर इस तरह मैं चल नहीं रही थी, हवा में उड़ रही थी। हालेलुया। और वो स्वर्गदूत मुझे बहुत सुंदर जगहों से घुमाते, बहुत खूबसूरत बगीचों में से लेकर तरह तरह के फल फूल और बड़ी सुंदर सुंदर लाइटें रोशनियां जो इस संसार की नहीं स्वर्ग की थी मैंने देखी। और वहाँ बहुत से लोग सफ़ेद वस्त्र पहने, सिरों पर सोने के मुकुट लगे, प्रभु की महिमा स्तुति आदर सम्मान कर रहे। उन लोगों ने मुझे देखा, सब खुशी से मेरा आदर कर रहे। मैं हैरान, अरे ये लोग मुझे जानते हैं क्या। और वो उनको देखते देखते फिर प्रभु का दास लोग स्वर्गदूत लोग मुझे एक बड़े से सोना का भवन था उसके सामने ले गए। वहां की सड़कें भी सोने की थी और उस पर चलकर हम उस बड़े हॉल के सामने खड़े हुए जाकर, और हॉल का दरवाजा अपने आप खुल गया, वो भी सोने का दरवाजा। अंदर देखा तो बहुत रोशनी पूरी लाइट से भरा हुआ था। और फिर लाइट को थोड़ा ऐसे करके अंदर जाके देखती हूँ, इधर भी 12 सिंहासन, इधर भी 12 सिंहासन, उन पे कोई बैठे हुए थे, बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सोने का सिंहासन था और उस सिंहासन पे यीशु मसीह बैठा था। हालेलुया। और मुझे उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया गया।
पवित्र पवित्र सामर्थी परमेश्वर युगानुगन जीवता परमेश्वर ऐसे तरह की मैं वहाँ पर प्रभु के दूतों के द्वारा उनकी महिमा को सुन रही थी। जब मुझे सामने प्रभु के चरणों में रख दिया, स्वर्गदूत मुझे रख के पीछे हट गए और प्रभु का हुक्म सुनने के लिए सब लोग शांति हो गए, ऐसे देख रहे थे। मैं नीचे पैरों को देख रही थी प्रभु के और मेरा मन खुशी से झूम रहा था। अरे वाह, मैं कितने भाग्यशाली हूँ, मुझे सीधा स्वर्ग में प्रभु के चरणों में आना पड़ा है। और उसी वक्त प्रभु ने मेरी तरफ देखा और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं भी प्रभु का चेहरा पहले देखूं और वैसे करके आंखें उठा के उनके चेहरे की ओर देखना चाहा, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख सकी। वहां पर एक बड़ा सा सूरज चमक रहा था, हालेलुया, और उनके इतनी रोशनी थी कि मैं यीशु के मुख मंडल को नहीं देख पाई। लेकिन उसी वक्त एक बड़े मीठी आवाज से प्रभु ने मुझे मेरा नाम लेके पुकारा, कहा बेटी शांता, तुझे ये जीवन मैं वापस लौटाता हूँ, तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जिंदा खुदा हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला, हालेलुया। ये था, मुझे प्रभु ने दोबारा जीवन दिया। अपना सिर मेरे सिर पे प्रभु ने अपना हाथ रखा और मुझे नीचे की ओर धकेल दिया और मुझे ऊपर से एकदम नीचे गिरना शुरू हुआ और गिरते 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 एकदम नीचे पहुंची। जैसे ही मैंने पैर जमीन पे रखे, आंखें खुल गई, आंखें खोल के देख रही हूँ मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गई। देखा तो वो मेरा ही बेडरूम था, लेकिन कैसे गिरी हूँ, कहाँ से गिरी हूँ। फिर ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर आकाश खुला हुआ नजर आ रहा था, हालेलुया, पूरी हमारे छत खुली हुई और ऊपर से एक बड़ी लाइट मेरे ऊपर फोकस हो रही थी, जैसे कोई ऊपर से बड़ी लाइट जला के मेरे ऊपर चाय वो कर रहा है, और वो स्वर्ग तक वो लाइट जा रही थी। और उसे देखते ही मैं जोर जोर से अपने भाई साधु किशन सिंह को बुलाना शुरू कर दिया, भैया जल्दी आओ, भैया देखो स्वर्ग खुला है, प्रभु जी मुझे वापस दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं उनके पास जाके उनको उठाया, भैया उठो, भैया उठो। मेरे भाई आंखें बंद करके बोलते, कौन है तू, कौन डिस्टर्ब कर रही। मैं क्या, मैं शांता। कहते ले शांता तो मर गई है, उसकी लाश उधर पड़ी है, तू कौन है, अपना नाम बता। मैं क्या, भैया मैं मर गई थी लेकिन अभी जिंदा हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया। उनको कहानी जैसी वो लगा, सपना जैसा लगा। मैंने कहा आप आंखें तो खोलो, मैं इधर खड़ी हूँ। उन्होंने आंखें वैसे मल के मुझे देखा, और उस समय रोशनी नहीं थी रूम में, 4 o'clock मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। मेरे भाई ने जैसे ही मुझे देखा, वो सफ़ेद कपड़े ना कफन वाले पहने हुए थे और उस कपड़ों से एक तरह की लाइट निकल रही थी क्योंकि आत्मा का वो था मेरे ऊपर वरदान। और जैसे ही मेरे भाई ने मुझे देखा, वो डर के उठ के दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। कहते तो रुक जा, तू शैतान है, भूत है, भूतनी बन के आ गई है, मेरी बहन मर गई है, भूतनी बन के आ गई है। वो कहते हैं शैतान चली जाए यहाँ से। मैं क्या, भैया मैं शैतान नहीं, शांता हूँ, आपकी बहन हूँ। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा। वो जल्दी से गए मेरे बिस्तर पे जहाँ पे मेरी लाश पड़ी थी, वहाँ से चादर हटा के देखते हैं, वाइट चादर है लेकिन मेरा शरीर वहाँ नहीं था, मैं मतलब मेरा लाश नहीं है। वो मेरी लाश को ढूंढ रहे हैं इधर उधर रूम में। मैंने कहा भैया आप क्या ढूंढ रहे हैं, मैं तो आपके पीछे खड़ी हूँ, मुझे देखो। कहते तू खड़ी हो जा, दूर रहे, मेरे से पास मत आ। मैं क्या, हाँ नहीं, क्यों क्या बात है। तो उनको लग रहा था कि मैं भूतनी हूँ। बाद में कहते मैं छू के देखूंगा, क्योंकि भूत के तो शरीर नहीं होता है, उसको पकड़ो तो हाथ में नहीं आता है ना। तो उन्होंने कहा मैं छू के देखूंगा। मैंने कहा ये लो देखो, मैंने ऐसे हाथ कर दिया। मेरे भाई ने डरते डरते मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही उनके हाथों में मेरा उंगलियों का स्पर्श हुआ और वो कहते अरे सच में तू तो शांता ही है। मैं क्या, वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे यीशु मसीह ने जिंदा किया है। इतना सुनते मेरे भाई उसी वक्त नील डाउन होके प्रभु का धन्यवाद करने लगे। और मैंने उनको सब बताया स्वर्ग में कैसे कैसे मैंने क्या देखा और प्रभु ने कैसे मुझे वापस भेजा है। वो कहते मैं पादरी को जाके बता के आता हूँ, नहीं तो उन्होंने कब्र खुदवा देनी है। वो दौड़े दौड़े गए पादरी के। पादरी कहते अरे भाई इतना जल्दी, अभी तो टाइम लगेगा, कब्र खुदवाएंगे, थोड़ा ठहरो। कहते नहीं अभी आपकी कब्र की जरूरत नहीं है, क्यों, मेरी बहन को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। पास्टर बड़े हैरान होके मेरे भाई को देख के कहते साधु जी आप रात को सो गए थे क्या। कहते हाँ सोया तो था। हाँ वही तो आपने सपना देखा होगा,
कहां मरी हुई जिंदा हुई होगी। कहते अरे नहीं सच बोल रहा हूं, वो सपना नहीं है, सच्चाई है, मेरी बहन जिंदा है, आप चल के देखो। और पादरी साहब को खींच के लेके आए, चलो चल के देखो। पास्टर ने आके मुझे खड़े देखा, आंखें खुली की खुली रही। कहते अरे ये शांता कल लाश पड़ी थी, आज खड़ी हुई है, हालेलुया। और मैंने कहा पास्टर जी प्रभु ने मुझे भी जीवन दिया है। ओ बड़े खुश हो गए। कहते हैं इस बाइबल से मैंने हजारों बार प्रचार किया, चार दिन का मरा हुआ लाजर यीशु मसीह ने जिंदा किया, जारस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, और विधवा के बेटे को। वो यीशु कल और आज हमेशा हमेशा एक जैसा है। जो 2000 साल उसने पहले काम किए क्या वो आज नहीं कर सकते? हालेलुया, वो आज भी कर रहा है और भी करता रहेगा, वो युगानि युग एक सा है ईश्वर। हालेलुया। उसी दिन मैंने सबके सामने गवाही दी, पादरी ने निकल के लोगों को बुला लिया, ए लोगों सुनो कल जो बच्ची मर गई थी ना इस घर में वो जिंदा हो गई है। इतना सुनते ही हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदार सब भाग भाग के दौड़ के आए, ऐ शांता मरी हुई जिंदा हो गई, जिंदा हो गई, अरे रात को लड़की मरी थी सवेरे जिंदा। और सब ने आके मुझे देखा। और मेरे प्यारे बहन और भाइयों उस दिन प्रभु ने मुझे ओ मजदूरी में लगा दिया, जो मैं देख के उसने स्वर्ग से भेजा, जा और जाके बता। मैंने सब लोगों को एक बात बताई, यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, स्वर्ग में और कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, और वो फिर जल्दी आने वाला है, आप उस पे विश्वास करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों इस तरह प्रभु ने मुझे जीवन दिया, और उसी दिन से मैंने अपने आप को प्रभु को अर्पण किया। पहले वाली शांता मर गई, अब ये जिंदा जो है जीवन जो मेरे पास है वो यीशु मसीह का है, और इस जीवन को मैं यीशु के लिए देती हूँ। मैं आज से सेवा करूंगी। मेरे रिश्तेदारों में से सब नाराज हो गए, उन्होंने हमें नहीं जाने देने की सोची। मेरा ताया मेरे पापा का बड़ा भाई था, मुझे बहुत रखता था अपने पास, कहते खबरदार जो तूने ऐसा आवाज की, तुम हमारी सिक्कों की बेटी है, तुम गली गलों में जाके साधनी बन के तुम नहीं जा सकती, यीशु की सेवा नहीं प्रचार करना, बस करो चलो अंदर जाओ। वहाँ इतने लोग सुन रहे थे, भावा कर रहे थे यीशु की, सबको भगा दिया और हमें मारते हुए अंदर ले गए। मुझे भी मेरे भाई को भी बहुत मारा पीटा, रूम में बंद करके गालियाँ दे के, कहते तुम्हें नहीं निकलने देंगे। देखो इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी उनका मन इतना कठोर पत्थर था, और उन्होंने मारना शुरू किया, कहते इन दोनों बहन भाइयों को आज ही मार डालो। पहले तो भाई साधु बना था, उससे पहले इसका मामा भी साधु, हमारे सरदारों को बदनामी देते हैं, इनको नहीं रहने देना। मारने की उन्होंने योजना बना ली। रात के 2 बजे दो गुंडे आ गए और खिड़की में बाहर खड़े हुए, दरवाजे को ताला था, हम कहीं भाग नहीं सकते थे, गोलियाँ सीधी हमारे सामने करके बंदूकें, कहते हैं सीधे हो जाओ हम तुम्हें मारने लगे हैं, अगर आज भी तुम यीशु को छोड़ दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हमने कहा नहीं हम अपने यीशु को नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है बुला लो उसको, वो बचाएगा तुम्हें देखेंगे। हमने कहा हमारे यीशु को बुलाना नहीं पड़ता है, हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ रहे, वो अपना काम करेगा हम अपना काम करेंगे, हम अपने प्रभु के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं, मर जाएंगे लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। अब वो गोली मारने लगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों आंखें बंद करके हमने प्रभु से एक ही कहा, प्रभु हमारी आत्मा को स्वीकार कर। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, अरे मरने के बाद तो कितनी सुंदर जगह देख के आई हूँ, वहीं जाना है, चलो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे वो गोली मारने वाले थे ठीक उसी वक्त एक बड़े जोर की आवाज हुई, हैंड्स अप। हैंड्स अप की आवाज सुनते वो मारने वालों के हाथ हिल गए, पीछे घूम के देखा तो इतने सारे पुलिस मैन आके खड़े हो गए, और पुलिस वालों ने तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया, बंदूकें छीन ली। हमने आमीन करके आंखें खोल के पुलिस को देखा, हम हैरान हो गए, अरे पुलिस तो कभी बिफोर टाइम आती नहीं है, वो तो गैस होने के बाद ही आते, आज कैसे पहले आ गए। और पुलिस ऑफिसर को पूछा मेरे भैया ने, सर आपको किसी ने इन्फॉर्म किया आप कैसे आ गए सही समय पे? वो कहते हैं हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, हमें पता नहीं था, हम तो नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, जाना था दूसरी गली में, पता नहीं कौन सी शक्ति हमें इस गली में लेके आ गई। हालेलुया,
वो हमारा परमेश्वर था। तो इस तरह पांच बार प्रभु ने मुझे मौत से बचाया। उसी समय हमने सब कुछ छोड़ दिया। 7 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो मेरे दिल्ली करोल बाग, बहुत अमीरों के रहने की जगह है जहाँ मेरे पापा रहते थे। बहुत कुछ सामान था, सोना चांदी सब कुछ छोड़ के, सबसे कीमती तोहफा, सबसे बहुमूल्य चीज परमेश्वर का वचन लेके हम घर से निकल पड़े। हमें कुछ नहीं चाहिए, यीशु चाहिए। बहुत कष्ट का, दुख का है ये। इसके आगे मैंने बहुत तरह तरह से परमेश्वर की से गुजरी हूँ। मैं आपको फिर समय शाम का भी होगा बताऊंगी, पर ये बता दूं कि जिस समय घर से निकले हमारे ताया जी ने फिर भी हमें मारने की कोशिश की। हम अपनी कार से स्टेशन तक जा रहे थे, 2 बार हमारी गाड़ी पे फायरिंग हुई, इधर से बिल्कुल नज़दीक आके किया फायर। ठीक उसी वक्त ऐसा हुआ, गाड़ी को झटका लगा, मेरे भैया का सिर, मेरा सिर पीछे चला गया, इधर से आई गोली इधर निकल गई, हमें कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार भी ऐसे हुआ, दोबारा भी उन्होंने फायर किया, फिर प्रभु ने बचा लिया, हालेलुया। और हम स्टेशन पे पहुंच गए। स्टेशन पे जाके कहा जहाँ की भी टिकट ट्रेन मिलेगी हम उसी में चले जाएंगे और हम सोचेंगे प्रभु हमें वहाँ ले जाना चाहते हैं। वहाँ पहुँचे तो इस प्लेटफार्म पे एक गाड़ी खड़ी थी, आसाम जा रही थी, उस पर आसाम मेल लिखा था। अरे ठीक है, प्रभु शायद हमें आसाम ले जाना चाहते हैं, हम यहीं जाएंगे। मेरे भाई ने पॉकेट में हाथ डाला मनी पर्स निकालने के लिए, लेकिन वहाँ मनी पर्स ही नहीं था। कहते लो शांता, पैसे भी तो घर छोड़ के आ गए, अब इस टिकट कैसे लेंगे। तभी प्रभु ने एक पास्टर को वहाँ भेज दिया और वो पास्टर ने हमारे लिए 2 टिकटें ला के दी और हमें ट्रेन में बैठा दिया। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन फास्ट हो गई, चलने लग गई। पास्टर से कहा भाई साहब कोई एड्रेस वेड्रेस किसी का है तो हमें दीजिए। वो अपनी डायरी निकाल के लिख रहे थे, लेकिन लिखने के बाद देना चाहा, इतने में ट्रेन इतनी फास्ट हो गई वो हमें ना दे सके, ना एड्रेस दे सके, ना कोई रुपया। हम लोग बिना पैसे के, बिना एड्रेस के, केवल टिकट मिल गया था हमें रंगिया जंक्शन तक का, उसमें सफ़र किया। मेरे भाई ने मुझे समझाया तभी, शांता अभी हमारा परीक्षा काल शुरू हुआ है। हर विश्वासी को परीक्षा से गुजरना है। जब तक आग को सोने में नहीं, पानी आग में सोने को नहीं डाला जाएगा, सोना शुद्ध नहीं होता है। प्रभु हमें शुद्धिकरण करने के लिए परीक्षा में डाल रहा है। तुम घबराना मत, भूखे मर जाना लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना। मैं क्या, हाँ भैया बिल्कुल। और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कभी किसी से नहीं मांगना। मेरे मामा साधु किशन सुंदर सिंह भी कभी किसी से मांगते नहीं थे, मेरे भाई साधु किशन सिंह ने भी कभी नहीं मांगा। उन्होंने मुझे भी यही सिखाया, मांगना है तो खुदा से मांगना है और किसी से नहीं। मैं क्या, ठीक है। 5 दिन तक मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, भूखे प्यासे उस ट्रेन में हमने यात्रा की। दूसरे लोग खाना खाते थे, हम आंखें बंद करके बैठ जाते थे या उठ के दूसरी साइड चले जाते थे, लेकिन किसी से खाना नहीं मांगा। इस तरह पानी पी के, वो भी टेप का पानी, ट्रेन में गंदा जड़ा होता है वो ही पीते थे। उन दिनों में ये बोतलें वगैरह नहीं होती थी, वो ही पी के बड़ा मुश्किल था। 2-4 आने पैसे भी नहीं थे जिससे हम एक चाय या बिस्कुट भी ले सके। एक अमीर का बच्चे इतना कष्ट उठाना बहुत असंभव मुश्किल होता है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे जिंदा रखा और ताकत दी। चुपचाप बैठे हुए हम चलते रहे, प्रभु की सेवा करते, और एक ही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगी। 6ठे दिन हम रंगिया जंक्शन पहुंच गए। रंगिया पे उतरते हमने देखना शुरू किया, यहाँ कोई चर्च होगा हम चर्च में जाएंगे, लेकिन वहाँ एक भी चर्च नहीं। किसी को पूछा, वो कहते क्या चर्च, यहाँ कोई चर्च वर्च नहीं है, यहाँ कोई क्रिश्चियन नहीं रहता, भागो भागो यहाँ से। सब लोग हमें धुतकार रहे थे। कभी भी मैंने ऐसे नहीं सुना था, हमारे घरों में हम लोगों की बहुत बड़ी इज्जत, लेकिन उस समय प्रभु यीशु के नाम को लेने से हमारे ठुकराया जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी चलते रहे। 6 दिन के भूखा हो गए थे, बहुत कमजोर थी, छोटी थी, 14 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं। कई बार बेहोश होके गिर गई, फिर मेरे भाई पानी डाल के उठाते। हम पूरे शहर घूम लिया, सचमुच में वहाँ एक भी चर्च नहीं है। आप भी आप आज जाके देख लीजिए, रंगिया में एक भी चर्च नहीं है। थक के हार के फिर स्टेशन पे आके बैठ गए और स्टेशन पे बैठ के रो के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी
तेरी क्या मर्जी है हम नहीं जानते, तू यहाँ हमें क्यों लाया है तू ही बता। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, एक बंगाली बुढ़ा हमारे पास आके खड़ा हो गया और आके कहते, बंगाली में बोलते हैं कथे जावन काके बिसारिन, मतलब कहाँ किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ जाओगे। तो मेरे भैया ने कहा, यहाँ कोई चर्च या कोई क्रिश्चियन बंदा है? वो कहते हैं एक है ना, क्यों ना, मैंने यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से दूर एक गांव है हरी सिंगा, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर मिशन हॉस्पिटल है, मिशन स्कूल है, उधर ही क्रिश्चियन लोग रहते हैं और इधर कहीं भी नहीं है। जैसे सुना मेरे भाई को, मुझे अच्छा लगा, ठीक है बड़ी बढ़िया बात है, कैसे जाते हैं? वो कहते हैं वो सामने टैक्सी खड़ी है, बस खड़ी है, वहाँ जाओ, वहाँ से सीधा बस लेके जाएगा। लेकिन बस में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे भाई ने उनको कहा, भैया कोई पैदल चल के जाने वाला शॉर्टकट है तो बताओ। कहते हाँ है ना, रेलवे लाइन के ऊपर चल के जा सकते। रेलवे लाइन के ऊपर? कहते हाँ। कितना होगा? नहीं ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर ही है। क्या बोला? ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर। जो घर में, अमीरों के घरों में पले बड़े बच्चे, क्या जिनके पास कार है, दो दो कार है, मेरे पापा ने मेरे लिए मेरे भाई के लिए छोड़ी थी, कभी हम पैदल नहीं चले 10 किलोमीटर। वो असम वाले क्या कहते हैं, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है 10 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ वो लोग चलते हैं, हमसे तो चला नहीं जाता। मेरे भाई ने मुझे कहा, चलो शांता हम जाएंगे। मैं कह भैया बिल्कुल नहीं, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, 6 दिन की भूखी प्यासी और मेरे पैर छिल चुके थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, यही हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मेरे भाई ने कहा, हमारा यीशु जिंदा खुदा है, वो भूखे मरने नहीं देता है। शेर के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को भूखे मरने नहीं देता है। हालेलुया। और कहते आओ हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई ने मुझे खड़ा करके मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना की, ऐ पिता मेरी बहन को शक्ति दे, ये कमजोर है, बच्ची है, ताकत दे कि हम उस गांव तक जाएं और तेरे लोगों से मिलकर तेरी महिमा कर सके। जैसे प्रार्थना हुई उसी वक्त आत्मा का अभिषेक उतरा, हालेलुया, और मैं उछलने लगी, एकदम मैं खड़ी हो गई। मैं कहा हाँ भैया अभी ठीक हूँ, चलो चलती हूँ, और चलना शुरू कर दिया। और कहाँ? वही रेलवे लाइन के ऊपर, बड़े बड़े पत्थरों पर चल के, कांटे और बिच्छू भरे रास्तों पर, बहुत मुश्किल था, उसी सफर पर चलते जा रहे। चलते चलते कितनी बार मेरा पैर फिसल गया, गिर गए, कांटे चुभे पैरों में, पत्थर से कट गया, गिरते ही चोट लगी, हाथ पैर घुटने छिल गए, वहाँ से भी खून बह रहा है, सिर पे ट्रैक पे गिरी, ट्रैक लगा सिर पे, यहाँ से भी खून बह रहा था, पूरा खून ही खून बहता जा रहा था, और फिर भी मैं चलती जा रही थी। मेरे भाई ने मुझे देखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, कहते शांता ये तो गलत कर रही है तू। मैं कि क्या, ये तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे? प्रभु का वचन में क्या लिखा है? याकूब 1:2 में लिखो, पर देखो वहां लिखा है, ऐ मेरे भाइयों जब तुम्हें तरह तरह के परीक्षाओं से गुजरो तो तुम क्या करना? आनंद मनाना। हालेलुया। मेरे भाई कहता है आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, नचो ते गाओ। मैं क्या, इसी हालत में कौन गा सकते, कौन ना सकता है? मेरे भाई कहते हैं हम करेंगे, चलो हम लोग गाना गाते जाएंगे। मुझे उठाया, मेरे पैरों में बिल्कुल बहुत छाले पड़ चुके थे, झोंके भी लगी हैं, वहां से हमें बहुत झोंके होती है रास्तों पर, इतने मोटी मोटी झोंके, पूरा पैरों से खून बह रहा था। हम चलते जा रहे, हमारे खून के पैरों के निशान बनते चले जा रहे थे। साधु सुंदर सिंह मेरे मामा जी जब लद्दाख तिब्बत में गए थे, बर्फ के ऊपर उनके खूनों के पैरों के निशान, तो उनको ब्लीडिंग फीट अपोस्टल का नाम से जाना जाए। आज मैं और मेरे भाई कभी उसी रेलवे लाइन पर खून के निशान पड़े हुए हैं, जहां से हम चल के गए, रात के 12 बजे जाके उस गांव में पहुंचे, बहुत मुश्किल था। पहुंचने के बाद एक घर का दरवाजा जाके खटखटा, भाई साहब दरवाजा खोलिए, बाहर क्रॉस का निशान था, इसलिए हमने सोचा एक जरूर क्रिश्चियन घर है। दरवाजे पे आवाज़ दी, नहीं खुला, फिर मैं चिल्लाई, आंटी जी मम्मी जी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। फिर उनको ऐसा लगा, रे कोई बच्ची की आवाज़ है, खोलते हैं, नहीं तो आसाम में जल्दी कोई नहीं निकलता है, रात को सब डरते हैं, और कई आतंकवादी शक्तियाँ हैं वहाँ पर, अल्फा वगैरह वो लोग रात को आते हैं, तो इसलिए मुश्किल था। मेरे भाई ने कहा
भाई साहब दरवाजा खोलो, जैसे ही मेरी आवाज गई तो उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के वो दोनों हस्बैंड वाइफ दरवाजे में आ गए। आते ही कहते हैं कौन है आप, कहाँ से आए हैं? मेरे भाई ने कहा मेरी बहन शांता, मैं है साधु किशन सिंह, हम लोग साधु सुंदर सिंह के भांजा और भांजी हैं। जैसे ही बोला साधु सुंदर सिंह के भांजा भांजी हैं, उस भाई ने तुरंत मेरे भाई को गले लगा लिया और उस माँ ने मुझे, अरे साधु सुंदर सिंह के रिश्तेदार, आइए आइए आपका स्वागत है, अंदर आइए। और अंदर ले जाके उन्होंने लाइट में रोशनी, मतलब लालटेन की रोशनी में, जब हमारे पैरों को जख्मी देखा, शरीर में जगह जगह खून बहते देखा, वो कहते क्या हुआ, किसी ने मारा पीटा? हमने कहा नहीं, हम लोग पैदल चल के आए, कहाँ से? रंगिया से हरिसिंगा तक। बाप रे इतना मुश्किल रास्ता, आप लोग कैसे बच के आ गए? हमने कहा हमारा यीशु लेके आया, हालेलुया, नहीं तो हमें आना मुश्किल था। उन्होंने गर्म पानी से हमारे पैर वगैरह धोए, दवाई लगाई। बाद में वो माँ मुझे कहती, बेटी कुछ खाना खाया तुमने? मैं कह नहीं, खाना नहीं खाया। कब से नहीं खाया? मैं कह आज 6 दिन हो गए। क्या 6 दिन से खाना नहीं खाया? मैं कहा 5 दिन ट्रेन में थे, कुछ नहीं मिला, आज रंगिया जंक्शन पे पूरा भूखे पड़े रहे। वो सुन के रोने लग गए, कहते मैं अभी खाना बनाती हूँ। हमने कहा अभी रात के 2 बज गए 2:30 बज गए, अभी रहने दो, कल सवेरे खाएंगे। वो कहते नहीं मैं अभी बनाऊंगी। उसी रात को उस बहन ने खाना पका के हमें खिलाया, हालेलुया। इस तरह वहाँ आसाम में हम पहुँचे और प्रभु ने हमें वहाँ पर बहुत जगह जगह पर बड़े दुखों के बीच से निकाल कर वहाँ पर हमारी सेवकाई को बढ़ाया। अभी भी हम वहीं हैं और वहाँ पर हमारे पास अभी प्रभु ने एक आश्रम दिया है, भाई राय जाके देख कर आए हैं और यहाँ से और भी 2-3 लोग गए हमारे आश्रम को देखा। आज प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उस परमेश्वर ने बड़ी बड़ी संकट मुसीबतों से हमें बचाकर यहाँ तक लाया है और आगे भी वो ही चलाएगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, हालेलुया। और वो अपने लोगों की सुधि रखता है, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अगर कोई चाहता है उनके लिए स्पेशल प्रार्थना हो, बीमार हैं या बे औलाद हैं, प्रभु ने मुझे वरदान दिया किसी के बच्चे नहीं होते तो उनके लिए प्रार्थना करती हूँ तो तुरंत प्रभु देता है। बहुत सी गवाहियाँ हैं, ऐसे लोग भी मेरे से मिलना चाहें तो उनके लिए प्रार्थना करूँगी। और अभी अगर खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा हो जाएंगे, कोई बीमार है तो वो भी खड़े हो सकते। किसी नौजवानों में किसी को नौकरी की जरूरत है, समस्या है, या परिवार में लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का दुख परेशानी है, आप खड़े हो सकते। कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, उससे भी प्रभु छुटकारा देगा। पिता आप सबों को आशीषित करें, प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लें, चुपचाप से प्रभु की ओर ध्यान दें। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इन सभी विषयों के लिए स्पेशल प्रार्थना। मेरे बाद में फिर पास्टर आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, हर तरह के अधिकार प्रभु आपके हाथ में सुरक्षित हैं और आप हर तरह के दुखों से छुटकारा देने वाले, जीवन देने वाले, मुक्ति देने वाले, शांति देने वाले, पापों से क्षमा देने वाले, चंगाई देने वाले, जीवित समार्थी परमेश्वर। प्रभु मैं इस समय इस सभी बहन भाइयों को जो यहाँ पर खड़े हैं, किसी भी तरह की इनकी समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, प्रभु इनसे इनको छुटकारा दे, क्योंकि पिता परमेश्वर मैंने अपने अनुभव से जाना है कि तू जिंदा खुदा है, तू सुनता है दुआ को, तू पूरा करता है हर एक की मुराद को। यहाँ उपस्थित एक एक को प्रभु तू अपने आशीष से परिपूर्ण कर दे, हर एक को प्रभु तू छू और उनको आशीर्वाद दे, बीमारियों को छू प्रभु और उनको चंगाई दे। अगर कोई दुष्ट शक्तियां परेशान करती है, इसी वक्त यीशु के नाम से मैं हुक्म देती हूँ दूर हो जाए। प्रेमी पिता परमेश्वर आशीर्वाद दे,
इस कलीसिया को बहुत आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, कलीसिया के पादरी साहब, सिस्टर और यहाँ जितने भी सेवक तेरे हैं, इन सभी सेवकों को प्रभु जी बहुत आशीष प्रदान कर। इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने सहयोग दिया उनके लिए भी प्रार्थना है प्रभु, उनको भी आशीषित कर। दयालु पिता परमेश्वर सबके साथ हो, अपने नाम की महिमा होने दे पिता परमेश्वर। अद्भुत चमत्कारी हाथों को रख, छू ले पिता, छू प्रभु हर एक को, एक एक के ऊपर तेरे करुणा का हाथ रख दे पिता, और ये चंगाई तेरी ओर से उतरे। यीशु मसीह तू महान जीवित परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, दया कर। जो बहनें बांझ अपने आप को कहती हैं, कहलाती हैं, उनको तू छू प्रभु जी, अपनी आशीष से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, वो भी संतान प्राप्ति करके प्रभु तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान दे सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।